देख रहे हैं राज स्कूल ब्लॉग। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, हम लोग इधर उधर का ब्लॉग तो बहुत सारा बनाए, लेकिन आज जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं ये कुछ खास है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों आज का जो खास चीज है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो वाटर फिल्टर है ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ से पानी किस तरह फिल्टर होता है। और दोस्तों ये करंदा घाट का बराकर नदी में बना हुआ है, तो चलिए चल के दिखाते हैं कि ये टंकी कैसे भाई। टंकी जिसमें से पानी फिल्टर होके यहाँ से इधर से होते हुए कहाँ तक जाते हैं आगे बताएंगे हमारे महतो जी। हाय दोस्तों, मैं महतो जी और आप देख रहे हैं राजेश की ब्लॉग। तो दोस्तों जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं का स्लोगन के साथ हम आज का वीडियो चालू करेंगे। और आज हम लोग घर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत ही वाटर प्यूरीफायर है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। और आज हम इसका जो खासियत है, इसका जो खूबी है, इसका जो प्रक्रिया है, कैसे क्या होता है, उसका प्रक्रिया आप लोगों को हम अच्छी तरह से समझाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो बराकर नदी है इस पर एक बड़ा सा हॉल किया है। इस पर हॉल करने के बाद एक टंकी बना है, टंकी में यहाँ पानी में उठ रहा है। पानी उठने के बाद ये दोस्तों सीधा देखिए, ये पंप के माध्यम से, ये पूरा पाइप के माध्यम से टोटली एकदम गांव-गांव घर घर एकदम जल को पहुंचा रहा है। साथ ही साथ देखिए, ये अभी यहाँ का मैं चाहूंगा कि ये देखिए अभी आवाज भी चल रहा है, मशीन चालू है और चल ही रहा है। बड़ा ही डेंजर जगह है दोस्तों, हम लोग घूमते हुए इधर से दिखा रहे हैं। ये देखिए बराकर नदी, और इधर देखिए इधर पुल है, करमदहा पुल जो जमताड़ा जिला को जोड़ते हैं। हाय दोस्तों, तो ये रहा हम लोग का बराकर नदी, और ये यहीं से पानी उठता है इस टंकी में और यहाँ से फिल्टर होके गांव तक जाते हैं। और बता दूं कि वो रहा हम लोग का करमदाह ब्रिज जिसको धनबाद से जमताड़ा को जोड़ते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ देखिए ये नदी के किनारे किनारे कितना अच्छा सुंदर वृक्षारोपण किया गया है, कितना सुंदर और सुंदर लग रहा है। और साथ ही साथ देखिए कि हम लोग जो आज जिस जगह पे खड़े हैं, बहुत ही खतरनाक जगह पे हम लोग खड़े हैं। इतना खतरनाक जगह पे खड़े हैं, उधर बोर्ड भी लिखा हुआ था कि अंदर उधर घुसना मना था, लेकिन दोस्तों आप लोग को नज़दीक से दिखाने के लिए हम लोग इधर घुस गए ताकि आप लोग को नज़दीक से दिखाएं कि कितना खतरनाक जगह है। दोस्तों हम लोग आपको अंदर का भी सब सामान को दिखाते हैं, सब मशीन को दिखाते हैं, टोटल चीज को दिखाते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है जिसके कारण हम लोग अंदर का सामान को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए खेद है हमें कि हम लोग अंदर का सामान नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो योजना है ये बहुत ही सुंदर और अच्छा योजना कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से शुद्ध पानी जो है गांव के गरीब और जिसको जो पानी नहीं खरीद के पी सकता है उसके लिए बहुत ही सुंदर है। और सरकार को मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का जिस जगह में टंकी नहीं है उस जगह में टंकी बनाए ताकि वहाँ के गरीब और जो असहाय आदमी है उसको पानी, अच्छा शुद्ध पानी उसको पी पाए ताकि वो जीवन भर स्वस्थ रहे। बाय। तो दोस्तों ये ब्लॉग आज के लिए इतना ही, बस फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ नया लेके आप लोग के लिए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो अगर